तो भाई लोग, मैं हूँ अमन और आप लोग देख रहे हैं टोटल रेसलिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे WWE की न्यूज़ के बारे में। तो भाई लोग, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई है लोगन पॉल के बारे में। क्या लोगन पॉल जीत सकते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप? तो भाई लोग, इस पर विंस रूसो ने कमेंट किया है। जो भाई लोग विंस रूसो को नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि विंस रूसो WWE के एक राइटर हुआ करते थे एटीट्यूड एरा के दौरान। तो भाई लोग, उन्होंने कहा है कि लोगन पॉल रोमन रेंस से टाइटल ले सकते हैं, वे सबसे बड़े हकदार हैं। तो भाई लोग, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उनकी बात से कितने सहमत हैं। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई है ब्रोक लेसनर के बारे में। तो भाई लोग, ब्रोक लेसनर ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर रिकॉर्ड बनाने में बहुत माहिर हैं, तो उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो कि है WWE में इन्होंने आखिरी बार 2002 में एक रो के एपिसोड में कम्पीट किया था। और 22 जुलाई को से पूरे 20 साल हो जाएंगे रो के एपिसोड में कम्पीट किए हुए। तो भाई लोग, उन्होंने 20 साल तक किसी भी रो के एपिसोड में कम्पीट नहीं किया है, यह इनका एक नया रिकॉर्ड है। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई है लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लोग, बॉलीवुड के एक्टर और क्रिटिक्स बहुत बड़े एक्टर हैं, जो कि जिनका नाम KRK है, जिन्होंने देशद्रोही फिल्म से कई ऑस्कर और फिल्म फेयर अवार्ड जीते। तो उन्होंने कमेंट किया है लिव मॉर्गन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि चैम्पियनशिप जीतने के लिए, और आप मेरी फेवरेट सुपरस्टार हैं WWE में। तो गाइस, WWE में लिव मॉर्गन के अब फैन बनते ही जा रहे हैं, जब से मैं चैम्पियनशिप जीती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी और WWE का नाम रोशन करेंगी। तो गाइस, चलते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। तो गाइस, क्या जॉन सीना वर्सेस थ्योरी समर स्लैम में हो सकता है? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? तो भाई लोग, इस पर थ्योरी ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली, जिस पर जॉन सीना और मैं आमने सामने खड़े हैं। एक जो अभी एपिसोड हुआ था रो में, वे वाली फ़ोटो डाली, जिस पर आप समझ ही गए होंगे कि वह हिंट देना चाह रहे हैं कि ये मैच अभी भी हो सकता है। तो भाई लोग, मुझे आप एक खुरबार कमेंट में करके बताइए कि ये मैच होगा या नहीं। तो भाई लोग, अगली खबर चलते हैं, जो कि है साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई लोग, साशा बैंक्स WWE में दिखाई नहीं दिए हैं बहुत समय से। तो भाई लोग, उनकी नई तस्वीर वायरल हो रही है। जैसे कि आप उनके नए बाल देख ही रहे होंगे कि उन्होंने अपने बालों को ब्लैक करा लिया है। जैसे कि आपको पता है कि ये पहले बाल अपने अलग अलग कलर में रखती थी। तो गाइस, WWE ने इन्हें अपने इंटरनल रोस्टर से भी बाहर कर दिया है, और नियोमी को भी इनके साथ बाहर कर दिया है। तो गाइस, सबको लग रहा है कि WWE ने इन्हें रिलीज कर दिया है। तो गाइस, सच्चाई तो किसी को पता नहीं है कि इन्हें बाहर कराया है नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगी। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट खबर के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के बारे में, जो कि क्लैश एट द कासल में हो सकता है। तो भाई लोग, जैसे कि आपको पता है कि समर स्लैम के बाद WWE का बहुत बड़ा इवेंट है, जिसका नाम क्लैश एट द कासल है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से देखने को मिलेगा, जो कि ड्रू मैकइंटायर का होम टाउन भी माना जाता है। तो भाई लोग, इसलिए WWE इस मैच को बहुत बड़ा बनाना चाहती है। तो गाइस, PW Insider की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि WWE इस मैच में गेस्ट रेफरी ऐड करना चाह रही है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WWE जो कि टायसन फ्यूरी को अपनी कंपनी में लाना चाहती है, और वो उनके साथ टॉक में भी चल रही है, तो वह इस मैच के गेस्ट रेफरी हो सकते हैं। और गाइस, मुझे ये भी लगता है कि WWE इस मैच में रेफरी इसलिए बना रही है जिससे रोमन रेंज के टाइटल पर खतरा ना हो, क्योंकि टायसन फ्यूरी और ड्रू मैकइंटायर एक दूसरे के एनिमी माने जाते हैं। तो गाइस, इसलिए टायसन फ्यूरी का बहुत बड़ा रोल होगा इस मैच में, और ये इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को हरवा भी सकते हैं, और उनके साथ फ्यूड करने के लिए आ भी सकते हैं WWE के आने वाले अगले इवेंट्स में क्लैश एट द कासल के बाद। तो भाई लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।